अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक हो गए, मजे में होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कल के व्लॉग पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मैसेज भी किया है कि शादी की आपने शादी पे प्रॉपर व्लॉगिंग करनी है, मतलब लाइक हर इवेंट की वीडियो बनानी है, ब्लॉग बनाना है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। हाँ, अगर मैंने मतलब फर्स्ट फंक्शन होगा हल्दी का, उसकी वीडियो बनाऊंगी, अच्छे व्यूज आए तो सेकंड की भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ ब्रेड कस्टर्ड। तो अब बिना टाइम वेस्ट के अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सुबह का टाइम था और इधर हो रही थी बारिश, मैं आप लोगों को दिखा रही। सुबह 7 बजे का टाइम था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। आप लोगों की तरफ बारिश हुई या नहीं? मौसम तो आज ऐसा ही। आन सलाम करो। आज क्या हो रही है? बारिश हो रही है। आप क्या कर रहे हो? मिठेलो। ये क्या चीज़ है आपके पास? डग्गी। अच्छा, आप कल कहाँ गए थे? मामू के घर। आपने जूते उल्टे क्यों पहने हुए हैं? सही पहने हुए। चलो इनको सही करके पहनो। अब तो बाहर धूप निकल आई है ना? अच्छा, भिंडियाँ तो मेरा सालन बनके तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं रेसिपी के लिए दूध बॉयल। तो आप लोगों ने सिंपल सा जैसे कस्टर्ड बनाते हैं उसी तरह से ये थोड़ा सा कस्टर्ड आप लोगों ने बना लेना है। हमारा कस्टर्ड भी हो गया था बनके तैयार। ये देखें, कस्टर्ड हो गया बनके तैयार। ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इधर मैंने ले ली थी ब्लाई, मैंने 2-3 दिन की इकट्ठी कर ली थी दूध की। उसमें मैंने ऐड की थी आइसिंग शुगर, मेरे पास नहीं था, मेरे पास दूसरी शुगर थी, वही मैंने ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अगर आपके पास आइसिंग शुगर हो तो आप लोग वो ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास दूसरी शुगर थी, मैंने वही इसमें ऐड कर दी थी ब्लाई में, और थोड़ा सब मैंने मिल के ऐड किया। देन उसके बाद मैंने इसमें जो बादाम मंगाए हुए थे वो थोड़े थोड़े से ऐड कर दिए। अब मैं इस तरह से इसको करूँगी रिफिल, जिस तरह जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और इस तरह से मैं इसके बना दूँगी पीस, 4 पीस मैंने इसके बना दिए थे और 4 इसके। इसी तरह से रिपीट में दोबारा से दूसरे प्लेट की करूँगी। अब मैं इसको इसके अंदर रख के इस तरह से, और इसकी बहुत तरह की रेसिपी होती है, हम इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने इसको इसी तरह बनाया क्योंकि फ्राई और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने सोचा थे ऐसे ही ठीक है। अब मैं इसके ऊपर देन डाल दूँगी कस्टर्ड। अरे, मेरे कस्टर्ड थोड़ा सा ना गाढ़ी बन गया था। अगर आप लोग चाहो तो इसे थोड़ा सा मतलब पतला भी रख सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी, जो मैंने मतलब बादाम वगैरह थे मेरे पास, वो बादामों को मैंने अच्छे छोटे से टुकड़ों में काट लिया था और ग्राइंड नहीं किया था क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वो मतलब उनका पाउडर बन जाता है। इसलिए मैंने नाइफ़ की मदद से उनको कट कर लिया था। और इस तरह से मैं इनके बादामों की कर लूँगी गार्निशिंग, और इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़े का मतलब बहुत अच्छी लुक आ रही थी इसकी। तो और सुनाओ, किस किस ने ईद की कर ली है शॉपिंग, तो मुझे ज़रूर बताना अपने व्लॉग में। और ये मेरे पास एक जवान का टेडी बियर पड़ा था, लगा तो मैंने दिया था बट ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में मैंने इसे हटा दिया था और इसको टुकड़े करके साइड पे कर दिया था। और इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस तरह से मैंने इसको बांध कर दिया। इधर आओ, इधर जल्दी से, इधर इधर। ये क्या लिया आपने इधर? ये दिखाओ कैसा है। है इस पे क्या क्या बना हुआ है? मूंग की और क्या साद मामू बना हुआ, मूंग की और साद मामू बना हुआ है। अच्छा, कितने का लिया आपने ये? 2000। बेटा चलो खेलो ना आप। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो
काकी पकड़ लो काकी को पकड़ा दो ना उसे। क्या हो गई ये पहले से ही इफ्तारी बेटा, पिराट कैसी लग रही है आपको? और ये पता किसने भेजे हैं? ये छोटी मम्मा ने भेजे, छोटे बाबा ने आपके लिए ये जूस और ये। तो उनको आप क्या बोलोगे, छोटे बाबा को? थैंक यू। हाँ चलो मैं दूसरा खाना देखो। और ये आज मेरी तैयारी थी इफ्तारी की, ये बनाया था मैंने सब कुछ।